ज्यादा हम लोग भालू महुआ ही खाते हैं। करीबन 15-20 मिनट से हम लोग इस जगह पर रुके हुए हैं। बाकी मूवमेंट हो रही है, पता चल रहा है, बट बाघ देखना है तो पेशेंस जरूरी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुजियास्टिक राइडर। आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं भोरमदेव, और भोरमदेव से फिर हम लोग जाएंगे कान्हा नेशनल पार्क। तो ये रही अपनी गाड़ी और मेरे साथ है कुछ मेरे फ्रेंड्स और मेरी वाइफ। पॉज करना उसका। क्या देख रही है? तो यह है अनुज, प्रिंस, अखिल और वो मेरी वाइफ। हम लोग जा रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क, आज जाएंगे भोरमदेव, भोरमदेव से फिर कान्हा नेशनल सफारी हम लोग कल ही करेंगे ना, आज तो फिर जाके स्टे करेंगे। और बाकी जो हैं, बाकी 5 लोग और हैं, वो लोग दूसरी कार में आ रहे हैं, दूसरी गाड़ी आ रही है, थोड़ा ज़्यादा पीछे हैं हम लोग। 15 मिनट से हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। और ये अखिल, कुछ बोलना चाहोगे अखिल? जहाँ रुके हैं वहाँ 2 दिन से लाइट नहीं है, पराठा है लेकिन चटनी नहीं है, पराठा तो सिर्फ चाय का वेट कर रहे हैं। और बाकी जो गाड़ी आ रही है उसका वेट कर रहे हैं, फिर गाड़ी आएगी फिर साथ में निकले हम लोग सब। और ये मेरी वाइफ, फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में और फर्स्ट टाइम किसी ट्रिप पे, है ना? काफ़ी टाइम के बाद हम लोग साथ में हैं। तो अभी जैसे गाड़ी आ जाती है उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से भोरमदेव के लिए, फिर वहाँ से कान्हा नेशनल के लिए। नहीं वीडियो है, क्या है? व्लॉगिंग वाला है अपना। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं भोरमदेव। ये रोहित भैया, अनुज और पुनीत और बाकी फैमिली पीछे आ रही है। ये हम लोग के सर हैं, प्रिंस सर। बड़े भैया रोहित भैया को आप लोगों ने मेरे साथ बाघ बहारा वाले वीडियो में देखा होगा, चंडी मंदिर, जिसमें भालू दिखा था। तो आज का क्या प्लान है रोहित भैया? यहाँ से आज भोरमदेव जी का दर्शन करते हैं और यहाँ के बाद बोटिंग करेंगे, उसके बाद कान्हा का प्लान है। कान्हा में सफारी तो कल ही होगी? हाँ, सफारी कल होगा, मगर आज वहाँ पे और सी चीज़ें फिर घूमने की, घुमा जाएगा। हाँ, तो अभी मंदिर दिखाता हूँ आप लोगों को सामने। सामने देखिए भोरमदेव मंदिर है। भोरमदेव मंदिर 1000 साल पुराना मंदिर है ये, और यहाँ पे हनुमान जी की नृत्य करते हुए प्रतिमा है, लेकिन पूरे भारत में कहीं नहीं पाई जाती है। यह भोरमदेव का मंदिर, भाभी को डांट रहे हैं क्या? डांट नहीं रहा हूँ, बोला रहे हैं 200 फोटो होना चाहिए कम से कम, उससे इतना खर्चा। फोटो आया ना, भाभी कुछ बोलेंगी वीडियो में? क्या भैया, दर्शन करने आए, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ही दिव्य फील होता है यहाँ पे आके। क्या फील होता है? दिव्य फील होता है जब भी आप ऐसे जगह पे आते हैं। और ये अपना मंदिर तो देख ही लिया आप लोगों ने, प्लस ये हनुमान जी की ऐसी जो प्रतिमा है पूरे विश्व में कहीं भी नहीं है, जो कि एक बाल रूप में वो हंसते और नृत्य करते हुए यहाँ पे हैं वो। और आइए आपको भोरमदेव जी का दिखाता हूँ, कुछ पुरातत्व की धरोहर है जो दिखाता हूँ आपको, आइए। चलिए, संग्रहालय है ये, कहाँ से शुरू करें रोहित भैया? इधर से करते हैं। अच्छा, गैलरी नंबर 1 यहाँ से। यदि भोरम जी की जो ये प्रतिमा है वो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 13वीं सदी की है। चौदहवीं सदी में खड़धारी योद्धा का जो रूप होता है यहाँ पे सामने, ये ढाल है और ये तलवार है। खंडधारी
ये सब खुदाई में मिला होगा। हाँ, सब खुदाई में मिले। सारी ये 13वीं से 15वीं सदी की घटना है। ये देखिए 14वीं सदी के रणथोड़ योद्धा यहाँ पे तीर और कमान था, दंडर योद्धा से मूर्ति बना हुआ है। इन सब में लेकिन योद्धा के रूप में देवियों को दिखाया गया, स्त्रियों को दिखाया रूप में दिखाया गया है। और सारा 13वीं सदी 14वीं से 15वीं सदी की ही पूरी मूर्ति है। और ये प्रिया जी हैं जो कि इतनी छोटी उम्र में देखने आए हैं। हाँ, आइए हम लोग गैलरी नंबर 2 में चलते हैं। ये है गैलरी नंबर 2। आक्रांताओं के द्वारा जो खंडित मूर्तियां कर दी गई थी। हाँ, ये उनका ही खुदाई में मिला हुआ है। और देखिए लिखा हुआ है 13वीं सदी में रचना की मूर्ति है जो खंडित किया गया है। अच्छा, इधर बारहवीं सदी की मूर्ति है, महेश्वर खंडित। हाँ, महेश्वर खंडित। ये गरुड़ासन लक्ष्मीनारायण जी की मूर्ति है जो कि साउथ में लक्ष्मीनारायण जी का ज्यादा मंदिर पाया जाता है। आर्ट बहुत बढ़िया किए हो इस पर। कैसा लगा आप लोगों को भोरम देव? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपको? मैडम मेरा वीडियो मत निकालो। कैसा लगा अनुज? बहुत बढ़िया लगा भैया। यहाँ आ चुके हो फर्स्ट टाइम? फर्स्ट ये यहाँ पे 2-3 बार आ चुका। 2-3 बार आ चुके। तो अभी हम लोग भोरम देव से निकल रहे हैं। सूपखार वाले रास्ते से जाएंगे कान्हा नेशनल पार्क। तो सूपखार वाला रास्ता मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, तो आज फिर दिखाऊंगा, कुछ चेंज हुआ होगा तो। और उस रास्ते पे जानवर वगैरह दिख जाते हैं, तो क्या दिखता है देखते हैं। तो चलते हैं आगे। अभी जो जिप्सी क्रॉस की है तो उससे पता चला है कि बागिन और उसका जो कर्ब्स है वो उनकी मूवमेंट हो रही है। तो अभी हम लोग काफ़ी रफ्तार से उस और जा रहे हैं। नीचे उतर में गाड़ी चालू करें। आगे चलेंगे? चलेगा। ये इधर बैठा हुआ है, इधर एग्जैक्ट बैठा हुआ है। इधर बैठ गया क्या वहाँ पे? बैठा हुआ। अच्छा, वहाँ बैठा वो दो पेड़ों के बीच में।